हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में आईई इरोडो के प्रॉब्लम 3.44 पर डिस्कस करेंगे। सो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। टू इनफाइनाइट प्लेन्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस एल कैरी अ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज ऑफ डेंसिटी सिग्मा एंड माइनस सिग्मा एज शोन इन फिगर। चित्र अभी दिखाऊंगा मैं आपको। द प्लेन्स हैव राउंड कोएक्सियल होल्स ऑफ रेडियस आर विद एल इज लेस देन आर taking the origin O and the x coordinate axis as shown in the figure, the electric field strength vector on the axis of the system as function of x coordinate। यानी आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर कितना होगा किसी एक्सियल पॉइंट पर, जबकि जो चित्र बना एक बार आप उसे देख लें, ये एक इनफाइनाइट प्लेन है और इसके पैरेलल ये दूसरा इनफाइनाइट प्लेन है। इन दोनों इनफाइनाइट प्लेन के बीच का सेपरेशन बहुत बहुत छोटा है उस रेडियस के कंपैरेटिवली, जो रेडियस उस डिस्क की दी गई है जिसे इन दोनों प्लेन से रेस्पेक्टिवली कट किया गया है। ये दोनों प्लेन प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा डेंसिटी वाले हैं और आपको इस सिमेट्री एक्सिस के किसी पॉइंट पी पर, जिसे आप ओ पॉइंट से, ओ को मैंने सिमेट्रिकली कंसिडर किया है, एक्स डिस्टेंस पर चुना गया है, इस एक्सिस को हम एक्स एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं और पी से ओ तक के डिस्टेंस को एक्स। हमें पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर निकालना है, जबकि ये दो इनफाइनाइट प्लेन है और इनसे दो डिस्क को कट कर दिया गया। अब ध्यान दें इस बात पर कि इस क्वेश्चन पर पोटेंशियल कैलकुलेशन के लिए हम एक क्लिप तैयार कर चुके हैं। इस P पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू हम X के टर्म्स में कैलकुलेट कर चुके हैं और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल ग्रेडियंट से एसोसिएट किया जा सकता है। तो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को पोटेंशियल की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। सो सबसे पहले इस सिस्टम के कारण P पर पोटेंशियल जो डिराइव हुआ था पिछले क्वेश्चन में, मैं उसे लिख रहा हूं, आप उसे ध्यान से देखें। वो था सिग्मा एल अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और अब इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर मुझे पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है तो जैसा कि फॉर्मूला है हम लिख सकते हैं ई वेक्टर इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। अब चूंकि ये लीनियर प्रॉब्लम है तो डेल वी बाय डेल एक्स को मैं डी वी बाय डी एक्स से रिप्लेस कर रहा हूं, क्योंकि एक्स ही केवल एक वेरिएबल है इस प्रॉब्लम में और इसको आई कैप कंपोनेंट के रूप में लिखा जाना चाहिए। अब v का डेरिवेटिव अगर मैं इसमें अप्लाई करूं तो ये बनेगा माइनस सिग्मा एल अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट टर्म्स है जिन्हें मैं हटा रहा हूं और इस टर्म का मुझे डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो ये बनेगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव वन, माइनस एक्स को प्लेस करने के बाद इस सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव बनेगा वन बाय टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और एक टू एक्स टर्म और इसमें इन्वॉल्व होगा, डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ दिस टर्म जो कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा और इसे आप आई कैप में प्रेजेंट करेंगे। और अब मैं एक बार इसे फाइनली पहले सॉल्व कर लूं फिर इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ये बन जाएगा माइनस सिग्मा एल अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के साथ मिलके आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा और फिर ये टर्म हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक हाफ पावर आप आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के लिए यहां देख पा रहे हैं और डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म है। सो ओवरऑल मैं इसे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 से प्रेजेंट कर रहा हूं और ये मेरा आंसर आई कैप के टर्म्स में है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू जो फाइनली कैलकुलेट हुई है इन सभी कैलकुलेशंस के बाद वो है माइनस सिग्मा एल अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, माइनस सिग्मा एल अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 आई कैप, और यही इस प्रॉब्लम का सही आंसर है। एक बात पर यहां ध्यान दें कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन माइनस आई कैप आया है और वो आना भी चाहिए क्योंकि हम जानते हैं कि एक प्लस इनफाइनाइट डेंसिटी के प्लेन से अगर एक डिस्क कट कर दी जाए तो दोनों को करस्पॉन्डिंग बनाने के लिए अगर वापस इस डिस्क को यहां फिट किया जाए तो प्लस डेंसिटी की डिस्क डाउन और माइनस डेंसिटी की डिस्क अपसाइड आ जाएगी
और ऐसी कंडीशन में बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो माइनस डायरेक्शन ही होना चाहिए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर का वैल्यू आया है माइनस सिग्मा एल अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 और आई कैप इसका डायरेक्शन है। चूंकि ये आंसर माइनस में है सो इसका फाइनल डायरेक्शन माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग होना चाहिए, यानी ये प्लस सिग्मा डेंसिटी वाली प्लेट से माइनस सिग्मा डेंसिटी वाली प्लेट की तरफ होना चाहिए। थैंक यू।